Hello student, good afternoon, welcome back. So our question is, Seema sold a laptop at a profit of 15%. If he had sold it at 10% less and sold it for rupees 2100 less, she would have gained 20%. What was the cost price in rupees of the laptop? ठीक है, जैसे ये question जो है फिलहाल अभी exam में पूछा गया, तो देखते हैं इस question को कैसे काफ़ी speed बनाया जा सके. ठीक है, काफ़ी short तरीके में, short way में बनाया जा सके. तो सबसे पहले इस question में अगर हम देखें तो सीमा सोल्ड अ लैपटॉप एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%. ठीक है, यहाँ साफ बोला गया कि लैपटॉप को 15% प्रॉफिट में बेच रही है, तो सीपी तो हम लोग को पता ही नहीं है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, सीपी को 100 मान लेते हैं. अब यहाँ क्या बोला गया है, कितने में प्रॉफिट में बेचा गया है, तो 15%. तो 15% का प्रॉफिट हो जाए तो सिंपल सा बात है 115 में बेचा जा रहा है. ठीक है, यहाँ तक हो गया. अब बोला गया इफ़ सी हैड बॉट इट एट 10% लेस, मतलब न्यू सीपी का बात हो रहा है यहाँ, कि अगर न्यू प्राइस जो है वो कितने में खरीदती, वो 100 के जगह 10% कम, 100 का 10% 10 हो गया, तो 10% का मतलब क्या 90 में खरीदा जाता. और अब न्यू एसपी, न्यू एसपी के बारे में देखें तो न्यू एसपी क्या हो जाए हम लोग का, न्यू एसपी, तो न्यू एसपी बोला गया है यहाँ एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 2100 लेस, इसको अभी छोड़ दो, इसमें ध्यान नहीं देना है. सी वुड हैव गेन 20%. अब जो न्यू, अब देखो अब 20% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 20% प्रॉफिट किसका होता है, अभी के सीपी का हुआ ना, तो 90 का 10% 9 हो गया, तो 20% क्या हो गया 18. तो 90 में अगर 20% प्रॉफिट होगा तो सिंपल सा बात है, तो न्यू एसपी हो जाएगा 108. ठीक है, अब यहाँ अगर क्वेश्चन में देखें तो बोला गया है कि एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 2100 लेस, पहले से अब कितने में बेचा जा रहा है, 2100 लेस में. लेकिन यहाँ के डेटा के अनुसार क्या 2100 लेस है, ये लेस हम लोग का है 7. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला गया 2100 लेस होना चाहिए, तो 7 से 2100 लेस कितना टाइम्स ज़्यादा हो गया, तो 7 3 21 और 00, तो ये आ गया 2100. तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लैपटॉप, तो कॉस्ट प्राइस 100 था हम लोग का. ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, 300 टाइम्स कर देंगे, तो सीपी को भी 300 टाइम्स करेंगे, मतलब 100 को 300 टाइम्स करते हैं, तो 100 को 300 टाइम्स किए तो क्या आ गया हम लोग का 30,000. क्या आ गया आंसर, 30,000. तो देखेंगे ऑप्शन में ऐसा कोई है क्या 30,000, तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है कि 30,000 ही ऑप्शन है, तो ये आंसर हो गया 30,000 इज द रिक्वायर्ड आंसर. हेंस वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस. सो इफ यू फाइंड एनी मोर प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन इन द राइट देयर इन द कमेंट सेक्शन. ओके ओके, बाय, ऑल द बेस्ट.